छत पर क्यों लगी है आग, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इससे जुड़ी कुछ ताजा तस्वीरें। और सबसे पहले छपरा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, आर्मी अभ्यर्थियों ने यहां पर प्रदर्शन किया है, अग्निपथ के नियम का विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यहां तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं छपरा की, देखिए आर्मी अभ्यर्थी जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं, गाड़ियों में किस तरीके से देखिए लाठी और डंडों से तोड़फोड़ की जा रही है, कई सारे गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से बस के ऊपर अभ्यर्थी जो हैं लाठियों से वार करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ नए नियम का विरोध किया जा रहा है। और आरा से तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, आरा में भी हंगामा जारी है, आर्मी अभ्यर्थी यहां पर भी हंगामा कर रहे हैं। अग्निपथ के नियम से आर्मी अभ्यर्थियों में नाराजगी है, जंक्शन पर पहुंच चुके हैं, रेल ट्रैक को जाम कर दिया है। यहां जितने भी ट्रेन है उसका परिचालन प्रभावित हो गया है, ट्रेन के सामने ही अभ्यर्थी खड़े हो गए हैं जिससे ट्रेन चल नहीं पा रही है। और अब बात नवादा की करेंगे, जहां आर्मी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। प्रजातंत्र चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर देखिए हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे, जहां अभ्यर्थियों ने आगजनी की, प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। अग्निपथ नियम से आर्मी अभ्यर्थियों में नाराजगी है। छपरा, नवादा और आरा में नहीं, युवाओं के गुस्से की आग जो है वो जहानाबाद भी पहुंच चुकी है, यहाँ भी गुस्से की आग भड़क गई है। जहाँ स्टेशन पर युवकों ने ट्रेन को रोक दिया है और काका मोड़ पर आग जलाकर हंगामा किया जा रहा है। दो तस्वीर हम आपको जहानाबाद की दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए रेलवे स्टेशन पर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो मौजूद हैं, ट्रेनों के परिचालन को यहाँ रोक दिया गया है क्योंकि रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया है। यहीं पर आपको दूसरी तस्वीर जो दिखा रहे हैं उसमें देखिए अभ्यर्थी जो रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं वो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ सड़कों पर भी आगजनी की गई है। अगर 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे? हम लोग का इतना बैकग्राउंड है, घर का परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, माता पिता के सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे। और जहानाबाद में आर्मी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद ट्रेनों का परिचालन अब जाकर